Assalam-o-Alaikum. if this is your first visit like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis exercise eleven b question number two draw a b of a length five point two centimeter draw the perpendicular bisector of a b exercise एलेवन बी का क्वेश्चन टू इसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट 5.2 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है और उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेकट ड्रा करना है बाइसेक्ट का मतलब बाई का मतलब दो बाइसेकट का मतलब कि वो दो हिस्सों में उसे इंटरसेक्ट कर देगा काट देगा दो हिस्सों में काटेगा जी भाई, सेक्टर जो होगा दो हिस्सों में काट डालेगा एक लाइन को ए बी को तो इसको ड्रा करने का प्रोसीजर सेम ही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर वन में हमने ड्रा किया था सबसे पहले एक पॉइंट ए ड्रा करेंगे हम उसके बाद रूलर की हेल्प से उसकी लेंथ मयर करेंगे 5.2 पॉइंट टू सेंटीमीटर की लेंथ पर एक लाइन ए बी ड्रा कर देंगे सबसे सब पहले पॉइंट ए मार्क करेंगे और वहां पर रूलर का जीरो रखेंगे और 5.2 सेंटीमीटर जहां तक आ जाएगा वहां तक एक लाइन ड्रा कर देंगे तो चलो करते हैं लाइन ड्रा ये रूलर लिया और ये लाइन ड्रा की और ये 5.2 पॉइंट टू यहाँ है 5.2 5.2 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर ली है और इसकी लेंथ लिख देंगे और इसका ए और बी इसका नाम रख देंगे और इसकी लेंथ जो होगी 5.2 हमें अब हमें अभी पमाइश की थी अब बाकी का काम क्या है बाकी का काम यह है कि अब इसकी अब इसका प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो उसके लिए प्रोसीजर जो हम अडॉप्ट करेंगे वो ये होगा कि सबसे पहले ए पॉइंट पर मेटालिक टिप रखेंगे कंपस की और कंपस का जो रेडियस होगा वो ए बी की लेंथ का हाफ से ज्यादा होगा हाफ से ज्यादा होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा हाफ से हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपस हम खोल लेंगे और खोल के एक आर्क लगा देंगे ऊपर वाली साइड पर और एक आर्क लगा देंगे नीचे वाली साइड उसके बाद कंपस को उठा के बी पॉइंट पर रखेंगे और उस आर्क को फिर दोबारा आर्क लेंगे लगाएंगे और रेडियस जो है वो उतना ही रहेगा कंपास जो है वो उतनी ही खुली रहेगी तो शुरू कर लेते हैं प्रोसीजर पर रख देनी है और ये समझ लेना है कि ए ही इसका एक सेंटर है और कंपस हमने इतनी खोलनी है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके हाफ से ज्यादा हो तो हाफ से ज्यादा कंपस रख के हमने एक इधर आर्क लगा देनी है और उसके बाद दूसरी साइड पर भी एक आर्क लगा देनी है उसके बाद हमने कंपस को बी पॉइंट पर रख लेना है उतनी ही खुली रहे कंपस और उसके बाद फिर इस आर्क को काट देना है हमने इसको कता करती हुई आर्क दोनों जानब पर अब ए बी लाइन और ये जो कंपस से हमने आर्क लगाई थी वो हमारे सामने है और अब क्या करना है हमने अब हमने एक रूलर लेना है रूलर को ये जो आर्क है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है आर्क यहां पर रखा और एक लाइन खींच दी इस लाइन का नाम कुछ भी आप रख सकते हो मैं इसको एल और एम रखूंगा ना लाइन का नाम एल और एम रख दूंगा आप कुछ भी रख सकते हो तो उसके बाद हमने इसको ड्रा कर दिया और इसका नाम एल और एम रख दिया और इसका नाम आर रख दिया एक्सरसाइज एलेवन बी क्वेश्चन टू का प्रोसीजर लिखना है तो सबसे पहले हमने जो जो भी किया है वो लिखते जाना है सबसे so, so, पहले हमने क्या किया था ड्रा अलाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर सबसे पहले एक लाइन ड्रा की थी ए बी जिसकी के लेंथ 5.2 थी रूलर की मदद से की थी तो वो हमने लिख देना दो नंबर पे हमने क्या किया था अब कंपास हमने ले ली थी कंपास का जो मेटालिक टिप थी वो ए उसको ए को सेंटर माना था हमने ए पॉइंट को सेंटर मानकर टिप ए पर रखी थी और जो कंपस थी वो मोर देन हाफ ऑफ ए बी की लेंथ आपसे से ज्यादा आपसे से ज्यादा खोल कर क्या किया ए पर कंपस रखी और दोनों तरफ आर्क लगा दी नीचे साइड पर भी ऊपर वाली साइड तो तीसरे नंबर पर क्या किया था हमने बी पॉइंट पर लाकर फिर आर्क लगानी है और कंपस उतनी ही खुली रहे अब इसका सेंटर बी है और रेडियस इसका उतना ही रहने देना है उतने ही रेडियस की आर्क फिर लगानी है जब हम उतने रेडियस की आर्क लगाएंगे तो ये प्रीवियस जो आर्क होगी उसको काट देगी इंटरसेक्ट कर देगी दोनों तरफ ही इंटरसेक्ट करेगी दो आर्क हमने फिर दोबारा दो आर्क्स लगानी है दो आर्क्स जब लगाई जाएंगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी अब इसका सेंटर बी है और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी उनको हम नाम दे लेते हैं एल और एम का एल और एम पॉइंट पर वो आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट होंगी नंबर चार पर हम क्या करते हैं नंबर चार पर अब हम एक रूलर ले लेते हैं रूलर को एल और एम पॉइंट पर प्लेस करते हैं और वहां इन एल और एम के थ्रू एक लाइन ड्रा कर देते हैं जो कि ए बी को एन के मुकाम पर पॉइंट एन पर उसको इंटरसेक्ट करती है बेसिकली ये पॉइंट एन ही बाईसेक पॉइंट है तो लाइन एल और एम बाइस सेक्टर है जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है तो इसकी अगर लेंथ मेजर की जाए तो वो इस पूरी लेंथ का हाफ होगी अगर ए एन की लेंथ मेजर की जाए तो वो पी एन के बराबर होगी तो यही प्रोसीजर था परपेंडिकुलर पेंडिकुलर सेक्टर ड्रा करने का ये सारा ही काम आपने करना कैसे है पेंसिल से और ये टाइनी सी लाइनें लगाना नहीं बोलना ये टाइनी सी लाइनें लगती जाएंगी सारा काम पेंसिल से करना है और इसके नंबर तकरीबन तो आधे नंबर प्रोसीजर आधे से कम कह लो अगर ये क्वेश्चन दस नंबर का हुआ तो चार नंबर का जो चार नंबर होंगे वो प्रोसीजर लिखने के होंगे छे नंबर सारा पेंसिल वर्क से जिससे आपने कंस्ट्रक्ट की है सारा फिगर वो आपने शार्प की हुई पेंसिल लेनी है और उसके बाद ये सारा काम करोगे तो फिर जाके दस नंबर आपको मिलेंगे चार नंबर प्रोसीजर लिखने के होंगे और छह नंबर कंस्ट्रक्शन के होंगे ये दो सवाल हमारे हो चुके हैं अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे